हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो अभी मैंने आपको बताया था कि पार्ट वन में कि हम लोग यहाँ पे एंटर किए थे और मैंने आपको इस जो हमारा ये रिजॉर्ट है या बंगलो जो भी आप इसे कह सकते हो, ये 40 नंबर का एक्वा गोल्फ विला। तो इस विला के बारे में मैं अब आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं अंदर एंटर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये दिखने में कैसा है। ये देखिए, आप इसमें एक ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर पे ही है स्विमिंग पूल। और ये पूल काफ़ी अच्छा है इस विला के हिसाब से, इसमें कम से कम 7-8 लोग अट जाते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको किचन दिखा रही हूँ अभी, किचन एरिया। किचन काफ़ी बड़ा है। तो किचन देखने के बाद आप देखते रहिए कितना सुंदर दिख रहा है किचन, एकदम बड़ा स्पेशियस है। यहाँ पे यूटेंसिल्स भी ये लोग देते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पर होते हैं, ये देखिए दो गेट है इसका, एक बैक गेट है ये और एक एंट्री गेट था जहाँ से हम लोग एंटर किए थे। ये देखिए, एक लेफ़्ट साइड में एंट्री गेट भी है। तो ये देखिए, ये जो स्टेयर्स है ये ऊपर की तरफ जाता है स्विमिंग पूल, और वहाँ पे ऊपर में दो रूम है। तो यहाँ पे टोटल ये जो विला है, इसमें 3 BHK विला है ये, इसमें 3 रूम्स हैं और एक बहुत बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है। और ये देखिए, रूम 1 है ये, काफ़ी स्पेशियस, लाइट, अच्छा है। यहाँ पे AC है, वेल इक्विप्ड है, सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए बेड्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, व्यू देखिए बाहर का आपको दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी आता है यहाँ से, फ़ैन AC सब कुछ है, सारे एमिनिटीज़ आपको इस रूम में मिल जाएंगे। बट इसमें जो टॉयलेट है वो अटैच्ड नहीं है, टॉयलेट आपको, ये देखिए मैं हूँ, देखिए मैं आपको कितने अच्छे से दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, मतलब क्लीन कितना है मिरर। बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना, अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो मिरर वगैरह थोड़ा गंदा होता है, फर्नीचर्स क्लीन नहीं होते। तो बट ये काफ़ी साफ़ है क्योंकि अच्छे से ये लोग क्लीनिंग चार्जेस लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। तो रूम के बाहर ही इनका एक वॉशरूम था, तो वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया। तो ये है डाइनिंग हॉल स्पेस, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो और देखिए चिल करने के लिए काफ़ी अच्छा एक स्पेस है। और साइड में आपको हॉल वगैरह भी, सिटिंग एरिया भी है विद TV। तो अभी मैं ऊपर चलती हूँ, और ऊपर चलते चलते मैं आपको दिखाऊंगी हमारा सेकेंड और रूम भी। तो सेकेंड रूम जब हम लोग एंटर करेंगे ना, तो ये देखिए, ये हमारे फ्रेंड्स लोग स्विमिंग ऑलरेडी करना इन लोगों ने चालू कर दिया था। तो अभी मैं आपको एकदम सेकेंड रूम दिखाऊंगी कि कैसा है। तो पहले, उसके पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा स्विमिंग पूल एरिया आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, ये है स्विमिंग पूल एरिया, और ये काफ़ी, इसमें आराम से 8 लोग तो स्विमिंग के लिए आराम से परफेक्ट है ये। और ये देखिए, इतना बड़ा सा एक स्पेस है, एक छोटा सा छत टेरेस के जैसा है ये, यहाँ से आप खड़े होकर आराम से बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, और ये देखिए व्यू का मज़ा भी ले सकते हो, सन बाथ भी ले सकते हो विंटर्स में, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का सीज़न है तो सन बाथ का कोई सीन नहीं है, लेकिन पूल में तो आप मस्त इन्जॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने रूम की तरफ। देखिए स्टेयर्स वगैरह बहुत क्लीन है, और ये जब रूम में मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगी ना, बहुत बड़ा रूम है ये देखिए। इसी तरह से थर्ड रूम भी जो है वो एकदम सेम टू सेम है, वो एक्चुअली आपको एकदम सेम वाला फीलिंग ही आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों रूम में। हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि इस रूम से एक बहुत ही बढ़िया व्यू दिखता है। देखिए मैं आपको कर्टन्स हटा के दिखाती हूँ, डायरेक्ट स्विमिंग पूल व्यू है इस रूम से, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आप अपना पर्दा हटा के भी सोने वाले हो या जो भी है, तो आपको बाहर में लोग क्या कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली दिखेगा। और ये देखिए, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा और अच्छा है, और यहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी नीट। ये देखिए, इसका भी मिरर बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा, कोई आपको कहीं पर डर्ट वगैरह नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, स्टेयरकेस भी काफ़ी मेंटेन है, अच्छे से ये लोग रखते हैं। और ये देखिए, मेरी फ्रेंड मुझे घूर रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो अभी ये देखिए, सेकेंड रूम भी आपने देख लिया, अभी आपको मैं स्विमिंग पूल अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरी जो फ्रेंड है वो स्विमिंग करना चालू कर दी, शी इज़ फ्लोटिंग, उसको फ्लोट करना बहुत पसंद है, स्विमिंग करना इनफैक्ट बहुत पसंद है उसे। तो अच्छा, चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड रूम में। ये रूम थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि पहले ये लोग, हमारे फ्रेंड्स इस रूम में एंटर कर गए थे, तो काफ़ी फैला है अभी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रूम ऑलमोस्ट सेम ही है, और ये देखिए सब स्विमिंग का मज़ा उठा रहे हैं आप आराम से, इसमें 8 लोग जैसे मैंने बताया आप आराम से स्विम कर सकते हो।
इस पूरा जो विला हम लोगों ने लिया था एक दिन के लिए, इसका हमारे को कॉस्ट पड़ा था 12,500 इंक्लूडिंग टैक्स। इसमें कोई फूडिंग ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं था, बट यहाँ पे हम लोग टोटल 8 लोग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चिल और इन्जॉय भी किए थे। तो आई थिंक 8 लोगों के हिसाब से 12,500 इंक्लूडिंग टैक्स एक अच्छा ही डील है इस तरह की लोकेशन के लिए, जहाँ पे आप खुद अपने फ्रेंड्स से पूरा प्राइवेसी मिलता है, आप आराम से चिल कर सकते हो। आप देख ही सकते हो कि कितना हम लोग मज़ा कर रहे हैं और पूरा एम्बियंस बहुत अच्छा और सब यहाँ पे इंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इसी वीडियो के पार्ट 3 में। टिल देन बाय एंड डू शेयर योर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।